बेटा तुम दिखने में तो अच्छे घर के लगते हो, ये कार साफ करके पैसा क्यों मांग रहे हो? मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, और जिनसे शादी किया ना मुझे बहुत मारते हैं, जुल्म करते हैं मेरे पे। और मेरे सौतेले बाप से थप्पड़ खाने से तो अच्छा है कि मैं खुद का कुछ कमाऊं, मेहनत करूं। अरे बेचारा, इतनी सी उम्र में क्या क्या करना पड़ रहा है। ये लो बेटा। मेरी गाड़ी साफ कर देना। ठीक है अंकल। वाह भाई वाह, अब ये वीडियो जाएगा सोशल मीडिया पर, अब आएगा असली मजा, अब होगा असली हंगामा, धूम तननननन। बेटा तुम दिखने में तो अच्छे घर के लगते हो, ये कार साफ करके पैसा क्यों मांग रहे हो? मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, और जिनसे शादी किया ना मुझे बहुत मारते हैं, जुल्म करते हैं मेरे पे। मेरे सौतेले बाप से थप्पड़ खाने से तो अच्छा है कि मैं खुद का कुछ कमाऊं, मेहनत करूं। बेटा तुम दिखने में तो अच्छे घर के लगते हो, ये कार साफ करके पैसा क्यों मांग रहे हो? अंकल मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, और जिनसे शादी किया ना मुझे बहुत मारते हैं, जुल्म करते हैं मेरे पे। इसलिए उनके थप्पड़ खाने से तो अच्छा है कि मैं मेहनत करके कुछ कमाऊं। अरे टिट्टू, ये काई बोल रहा है थारे बारे में? कुछ नहीं मम्मी, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं, ये छोरा थारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है और तुम्हारे को कह रहा है मैं शांत हो जाऊं, क्यों? ताऊ जी, ये वीडियो ना वायरल होके हो गया है हॉट, फैमिली की इज्जत की ना लग गई है वाट। यो बेटा ये लो, ये मेरी गाड़ी भी साफ कर देना। और पापा, आपके बारे में लोग काफी बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं। और ये क्या फालतू लिखा है? ये बाप नहीं, ये सांप है जो अपने सौतेले बेटे को दस रहा है और हंस रहा है। दीदी उसके ऊपर वाला कमेंट तो पढ़ो, बच्चे की माँ है बेचारी, सौतेला बाप है अत्याचारी, मम्मा ताऊजी के बारे में ऐसे। और ऐसे सौतेले बाप को अरेस्ट करके जेल में डाल दो। मेरे पापा को कोई जेल नहीं भेज सकता। ऋषु तू अपना फोन दे, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूं। फोन दे। नहीं दीदी, मेरे पापा के बारे में कोई ऐसा सोचे मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरे पापा तो वर्ल्ड के बेस्ट पापा है ना। बस 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 बस, पिछली चार पीढ़ियों से हमारे इस खानदान ने इस जयपुर शहर में बड़े जतन से मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाई थी, आज सब स्वाहा हो गई। आज तक तो ये क्रोध का ज्वालामुखी घर के सामान की तोड़फोड़ कर रहे था, अब सम्मान की तोड़फोड़ कर दी। मैरी भैया, मैरी भैया। अरे ट्विंकल, एक गल पूछा। हाँ? क्या हुआ? पैरी भैया मिल ही नहीं रहे, मुझे उनसे बहुत ज्यादा जरूरी काम है। क्या काम है मुझे बता दे। नहीं आप रहने दो। क्यों? क्यों भाई, तू मुझे इसलिए नहीं बता रहा है ना? जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल। एक कल पूछा, आप हमेशा यही क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल? जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल। चलो बताओ क्या काम है। स्कूल की टाई बनवानी थी उनसे। अरे बस इतना सा काम है? रोज तेरे बेरी भैया तेरी टाई बांधते ना, लेकिन आज आज मैं बांधूंगा। लेकिन बेरी भैया है कहाँ? एक बात कान खोल के सुन लो तीनों, टिंकल को पता को नहीं चलना चाहिए कि बेरी घर छोड़ के चला गया। जब उसको ये सब पता चलेगा ना, तो हंसता खेलता ये टिंकल मुरझा जाएगा बेचारा, और ये मैं को नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा।
इसलिए जब तक बेरी वापस को नहीं आ जाता हम सबको ऐसे ही पेश आना होगा कि बेरी कटे गया ही को नहीं। आंगन में बेरी भैया एक और लोकेशन दो। वाओ बट हाउ? तो बात ऐसी है कि पहले ना तेरे बेरी भैया टेरेस पर थे, अब आंगन में। हाँ पता है क्या कर रहे? क्या? कराटी की प्रैक्टिस। जल्दी जल्दी टाई दे दे, मैं बांध देता हूँ। कराटी की प्रैक्टिस तो बेरी भैया सुबह करते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। अब तू आंगन की तरफ गया, अब क्या करें? क्या करें? बेरी भैया रिशु, अब तो लगता है ट्विंकल को पता चल जाएगा कि बाथरूम के अंदर कोई नहीं है। बेरी भैया आई थिंक हमें ना ट्विंकल को सब सच बताना पड़ेगा। नहीं नहीं दीदी, पापा से प्रॉमिस लिया ना कि ट्विंकल को बेरी के बारे में कुछ भी पता चलने नहीं देंगे। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता रिशु, क्योंकि बाथरूम के अंदर तो बेरी है ही नहीं, तो उसकी बातों का जवाब कौन देगा? बेरी भैया बोल क्यों नहीं रहे? ट्विंकल सुन, तेरे भैया ना। ट्विंकल तू स्कूल जा, मुझे टाइम लगेगा। बेरी भैया आप अंदर हो? हाँ हाँ मैं अंदर हूँ। और हाँ आज तू ऋषि भैया से टाई बंधवा ले। ओके बेरी भैया, हम स्कूल में मिलेंगे। आप मेरी टाई बांध देंगे? हाँ मैं तब तक बैग लेके आता हूँ। हाँ बेरी तू अंदर है? हाँ और अब बाहर आ रहा हूं। अरे अरे कोई नहीं अंदर, कोई नहीं कोई नहीं। वरुण तू निकालनी पड़ी मुझे बैरी की वॉइस, यू नो इन सच टाइम्स ऑफ क्राइसिस आई हैड नो चॉइस। या बाय द वे कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एकदम फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।